अभी आप अपने बारे में ये सोचो कि कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ उसमें मेरा मन नहीं लगता है, मैं सोचता हूँ ये कब खत्म हो जाएगा और मैं घर चला जाऊंगा फिर सो जाऊंगा। स्टूडेंट है, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, बार बार अपने ख्याल में खो जाते हैं, अपनी फैमिली की बहुत चिंता होती है आपको और अपनी तो सबसे ज्यादा। 24 घंटे ना 12 घंटे आप ये सोचने में लगा देते हैं कि ऐसा इवेंट मेरे साथ हो क्यों रहा है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये एक ही प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट इस वीडियो को जितने भी देख रहे हैं ना सभी की यही प्रॉब्लम है। जनरली आज की डेट में कौन वो बंदा है भाई जो अपनी लाइफ में खुश नहीं रहना चाहते हैं, और ये प्रॉब्लम उनके साथ होती क्यों है, क्योंकि मोटिवेशनल की कमी है, उनकी बॉडी में वो बुरे हालात में लड़ने की हिम्मत नहीं होती है। अभी जो ये बात सुनोगे लिटरली इसके बाद आप एनर्जी से भर जाओगे, हिम्मत आएगी, खुश रहोगे और मोटिवेशनल की कोई कमी नहीं रहेगी। अभी आप मोटिवेट हो गए किसी की वीडियो देखकर फिर डिमोटिवेट, ये क्या चल रहा है। बस मैं बात कुछ मजेदार बताने वाला हूँ जो आपकी बहुत हेल्प करेगी। आप अपनी लाइफ में जो भी करो उसके लिए पहले आपकी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, हौसला बहुत ऊंचा होना चाहिए आपका। इनमें से अगर एक चीज की कमी हो गई तो वो ढंग से कोई काम नहीं कर पाएगा, और मोटिवेशनल की कमी यहीं से पड़ती है। एक इंसान को या तो उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती, एनर्जी नहीं होगी तो हिम्मत कैसे आएगी, जिद कैसे आएगी, हौसला कैसे बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात दिमाग काम करना बंद कर देता है। जिसका माइंड एक्टिव नहीं होगा, एनर्जी छोड़ो, ताकत छोड़ो, कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इस बंद दिमाग को खोलने के लिए सीमन रिटेंशन करना बहुत जरूरी है, और पता नहीं लगता कि कैसे करें। मैं आपको बताऊं, आपके साथ जरूर होता है, जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना किसी का, उस वक्त आपकी बॉडी में एनर्जी होती है, जरूर होती है, यानी कि सीमन रिटेंशन आपका हो रहा है। एक बार आप मुझे ये बोलो, आप सबसे ज्यादा खुश कब रहते हैं? कभी आपने एक्सरसाइज की है? अगर की है तब आप इतने खुश क्यों हो जाते हैं, वो एनर्जी क्यों आती है, हौसला क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि एनर्जी बढ़ रही होती है। सीमन रिटेंशन उस वक्त अच्छे से होता है जब कोई बंदा एक्सरसाइज करता है। और ये भी एक बार याद करो, आपका कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़रा खो चुके आप, यानी कि आपका सारा ध्यान फोकस उस काम पर है, उस वक्त भी आप बहुत ज़रा खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अश्लील थॉट के बारे में नहीं सोच रहे। सीमन रिटेंशन आपका अच्छे से हो रहा है, वो खुशी तभी आ रही है, वो ऑटोमेटिकली नहीं आ रही है, इसके पीछे भी वो रीज़न है। मान के चलो कोई बंदा क्रिकेट मैच खेल रहा है, अगर सारा ध्यान उस मैच पर होगा ना तो वो खुश होगा खेलते वक्त, क्योंकि सीमन रिटेंशन उस बंदे का हो रहा है, वो खुश हो रहा है भाई, तभी तो ध्यान लग पा रहा है ना उसका। और स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पढ़ने बैठे हैं और पढ़ने में मजा आ रहा है? हुआ है, जरूर हुआ है। आपका मन करा कि यार मैं और जरा पढ़ूंगा, मुझे याद अच्छे से हो रहा है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस वक्त आपका ध्यान पढ़ाई पर होता है, सीमन रिटेंशन उस वक्त भी अच्छे से होता है। अच्छा एक बार अभी ये भी सोच के देखो, आप अपने फ्रेंड के साथ है, खूब बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। क्यों? मजा आ रहा है बात करने में दोस्तों के साथ। सीमन रिटेंशन आपका उस वक्त भी होता है, एनर्जी आती है ना बॉडी में, आप तभी जोर जोर से हंसते हैं। आप कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हैं उस वक्त भी आप खुश हो जाते हैं, हंसते हैं जोर जोर से। क्यों? वो एनर्जी तब भी आपके अंदर आती है जब स्कूल कॉलेज में टीचर पढ़ाते हैं ना, कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हो उस पर जो टीचर है वो एक्सप्लेन कर रहा है, आपको मजा आ रहा है सुनने में, आपका सारा ध्यान टीचर पर है, वो क्या बता रहा है, मजा आ रहा है सुनने में, पता है क्या होता है, उस वक्त भी आप खुश होते हैं, एनर्जी होती है वो बॉडी में। सीमन रिटेंशन लड़कों का होता है अच्छे से, और ऐसा आपके साथ बहुत कुछ होता है। याद करो एक बार, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो क्यों होते हैं? इसके पीछे रीजन यही है कि बॉडी में एनर्जी है, वो आपकी बॉडी में ऊपर की तरफ आएगी, आप खुश रहोगे, हंसोगे, ध्यान होगा उस काम पर। ये होता है भाई, ऐसे होता है सीमन रिटेंशन। तो सोचो अगर 24 घंटे आपको यही करना हो तो क्यों नहीं होगा ब्रह्मचर्य। और जब आप शांत हो जाते ना, आपका एक काम में बहुत ज़्यादा ध्यान था, एनर्जी थी बॉडी में, फिर आप अकेले में आए, आलसी पड़ गए, उस वक्त आप गलत काम करने की ओर ज़्यादा जाएंगे। जड़ पकड़ो भाई पहले, उसके बाद सलूशन खुद निकल जाएगा। अब यहाँ पर गलत मत सोचना कि मैं तो स्मोकिंग करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, उस वक्त खुश होता हूँ, क्या वो भी ब्रह्मचर्य अच्छे से हो रहा है? अरे बेवकूफ, वो तुझे शॉर्ट टाइम की खुशी मिल रही है, वो भी तेरी बॉडी के खून चूस कर। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा करना है ना, बाहर से कोई चीज एनर्जी आए आपके अंदर, सब आकर्षित हो, वो होगी खुशी। जब आप खुश रहोगे ना ब्रह्मचर्य अच्छे से होगा, इससे खुशी डेफिनेटली मिलती है। ऐसा मत सोचना कि नहीं होता है। आपको कोई कुछ भी बोले चाहे गलत बोल दे, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, आपको यही लगेगा यार मैं तो ब्रह्मचर्य करता हूँ, मेरे अंदर एनर्जी है, मैं तो बहुत खुश हूँ,
हर एक दिन में खुशी बढ़ेगी, आवाज आपकी बहुत अच्छी होगी। जो लोग सिंगर है भाई, मैं कहता हूँ गलत काम स्टॉप कर देना, आवाज और भी अच्छी हो जाएगी आपकी। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, स्टॉप करना चाहता है ये रॉन्ग हैबिट। आप खुश रहना चाहते हैं हमेशा, वो एनर्जी चाहिए आपको, कोई भी काम करो उसमें थकावट आपको नहीं होनी चाहिए, सब लोग आकर्षित हो, बात करें अच्छे से, एनर्जी हो, कुछ भी करो आप, तो अपना ध्यान लगाना होगा। जरूरी नहीं है मेडिटेशन पर, आप जो भी काम करें उस पर ध्यान लगाओ। मैं कहता हूँ अगर आप खाली भी बैठे हैं ना, तो आप जो भी देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, टीवी पर कोई ऐसी मूवी मत देखना, आप कुछ ऐसा देखो ना जो आपको खुशी दे, अश्लील नहीं होना चाहिए उसमें कुछ भी, और सारा ध्यान उस पर लगाना। स्टडी कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाओ, उस कहानी में मजा लो। आप कोई काम कर रहे हैं, अपना घर का कुछ काम है, बाहर कहीं जाते हो आप, उस पर पूरा फोकस लगाओ कि ये काम कैसे होता है, इसे कैसे करते हैं, मैं देखता हूँ कैसे नहीं होता है ब्रह्मचर्य, ये गलत काम कैसे स्टॉप नहीं होता है, खुशी कितनी डबल होगी आपको।